आशुतोष के साथ पॉकेट एफएम पर। सुपर अर्जुन एपिसोड 16। अर्जुन ब्रेकफास्ट करके अपने काम के लिए निकलता है, तभी देवदत्त अर्जुन का फ्यूचर का पिता भी रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने के लिए घर से निकलकर स्कूटर से जा रहा है। उसकी नजर अर्जुन पर पड़ती है। अरे अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस का वेट कर रहे हो? देवदत्त अर्जुन से पूछता है। हाँ, अर्जुन जवाब देता है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम स्कूटर में मेरे साथ बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। देवदत्त अर्जुन से कहता है। आप जाइए, मैं बस से चला जाऊंगा, आप मेरी वजह से परेशान मत होइए, अर्जुन देवदत्त को बताता है। अरे अब ज्यादा नखरे मत करो और मेरे साथ चलो। देवदत्त के ऐसा कहते ही अर्जुन स्कूटर के पीछे वाली सीट में बैठ जाता है। फिर दोनों निकल पड़ते हैं अपने अपने जॉब की ओर। ये स्कूटर बहुत आवाज कर रहा है, अर्जुन देवदत्त से कहता है। अरे भाई, स्कूटर चलेगा तो आवाज तो करेगा ही। देवदत्त मजाकिया ढंग से कहता है। हाँ ये भी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये स्कूटर काफी पुराने मॉडल का है? अर्जुन के ऐसा कहते ही देवदत्त हंसता है और हैरानी से कहता है। अरे किस दुनिया में जी रहे हो तुम, ये स्कूटर का सबसे नया मॉडल है जो कि शहर में सबसे पहले मेरे पास आया, और तुम कह रहे हो कि पुराना मॉडल है? देवदत्त हंसते हुए अर्जुन को बताता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्कूटर का चलना बंद हो जाएगा, जवाब में अर्जुन बताता है। अर्जुन की बातें सुनकर देवदत्त हंसता है। क्या कह रहे हो तुम, स्कूटर का चलना बंद हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला, तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुमने फ्यूचर देखा हो। देवदत्त हैरानी से अर्जुन से कहता है। मैंने फ्यूचर देखा तो नहीं, लेकिन अनुमान लगा सकता हूँ कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, अर्जुन मुस्कुराते हुए जवाब देता है। अच्छा तो तुम्हें यह भी पता होगा कि स्कूटर की जगह पर क्या आने वाला है? देवदत्त कैसा पूछते ही अर्जुन जवाब देता है। स्कूटी, हमारे फ्यूचर में स्कूटर की जगह स्कूटी लगी जो कि स्कूटर से भी ज्यादा कंफर्टेबल होगी। अर्जुन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें निरंजन मिश्रा का असिस्टेंट नहीं बल्कि हमारे साथ हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, देवदत्त मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहता है। उसके बाद वे दोनों हंसने लगते हैं। अच्छा ये बताओ तुमने पढ़ाई कहां तक की है? देवदत्त अर्जुन से पूछता है। मेरा ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर है, मुझे काम की तलाश थी इसलिए मैं लखनऊ से बैंगलोर आ गया, अर्जुन जवाब देता है। अच्छा कॉलेज में दोस्तों काफी होंगे तुम्हारे, मेरा मतलब है कि कोई लड़की? देवदत्त अर्जुन से पूछता है। हाँ उसका नाम काम्या है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वैसे आपकी लाइफ में भी तो कोई लड़की वड़की तो होगी जिसे आप पसंद करते हो? अर्जुन देवदत्त से पूछता है। उसकी पसंद का तो पता नहीं, पर पहली नजर में मैंने उसे जरूर पसंद कर लिया है, देवदत्त हल्का मुस्कुराते हुए जवाब देता है। अच्छा तो ये बात, घर में सबके सामने तो बड़े सीधे बंदे थे आप कि शादी ही नहीं करूंगा, और यहां? वाह मजा ही आ गया आपकी बातों में, अर्जुन भी हंसते हुए जवाब देता है। चलो भाई आगे तुम्हारी मंजिल, ऐसा कहते ही देवदत्त स्कूटर रोक देता है। उसके बाद अर्जुन अपने काम को संभालने जाता है। इधर अर्जुन मिश्रा जी के घर पर जाता है और हमेशा की तरह एक बार फिर अपने काम पर लग जाता है। आज अर्जुन को कुछ टाइप करना है इसलिए वो मिश्रा जी के घर में लैपटॉप या कंप्यूटर की तलाश करता है, पर उसे घर में कंप्यूटर और लैपटॉप तो नहीं मिलता लेकिन एक पुराना टाइपराइटर मिल जाता है। टाइपराइटर थोड़ा पुराना टाइप का है जिसे देखकर अर्जुन थोड़ा हैरान हो जाता है। क्या मुझे इसमें टाइप करना होगा? मैं इसमें टाइप कैसे करूंगा? अर्जुन मन ही मन कहता है। अरे बेटा अर्जुन तुम कब आए? मिश्रा जी पीछे से आवाज लगाकर बोलते हैं। सर अभी पहुंच ही रहा हूं बस। सर मुझे आप एक बात बताइए कि यहाँ मुझे कोई लैपटॉप या कंप्यूटर मिलेगा? अर्जुन मिश्रा जी से कहता है। कंप्यूटर तो सुना है पर ये लैपटॉप क्या होता है? तुम ये किस मशीन की बात कर रहे हो? मिश्रा जी थोड़ी देर अर्जुन को देखते हैं और फिर हैरानी से अर्जुन से बोलता है। मेरा मतलब है कि कंप्यूटर तो होगा ही ना आपके पास? अर्जुन जवाब देता है। कंप्यूटर तो नहीं है, तुम्हें कंप्यूटर की क्यों जरूरत है? मिश्रा जी हैरानी से अर्जुन से पूछते हैं। मुझे टाइपिंग करनी है, आज आपने ही तो मुझे टाइपिंग का काम दिया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं टाइप किस में करूंगा। अर्जुन मिश्रा जी से पूछते हैं। टाइपिंग करने के लिए टाइपराइटर है ना, इसमें टाइप करो। हम भी तो इसी में टाइप करते हैं, मिश्रा जी अर्जुन से कहते हैं। पर मैं इसमें कैसे टाइप कर सकता हूँ, आपको नहीं लगता कि यह थोड़ी ओल्ड टाइप का है? अर्जुन मिश्रा जी से कहता है। ओल्ड? ये तो मार्केट में अभी नया है और तुम कह रहे हो कि ओल्ड है? अरे भाई कहीं तुम कोई और दुनिया से तो नहीं आए हो? मिश्रा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं। नहीं नहीं मैं भी बस इसी दुनिया का हूँ, लेकिन मुझसे नहीं होगा इस टाइपराइटर में काम क्योंकि मैंने इसे कभी चलाया नहीं, मुझे कंप्यूटर और लैपटॉप की आदत है, अर्जुन मिश्रा जी को बताता है। कंप्यूटर बहुत महंगा आता है और हमारे यहाँ तो कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करता कोई, इसलिए किसी के दिमाग में भी कंप्यूटर का सवाल तक ही नहीं उठता। लेकिन एक बात बता दूं, तुम्हें इसी टाइपराइटर में काम करना होगा वरना आज का काम कैसे पूरा करोगे तुम? तुम्हें पता भी है कितने ब्लैंक पेपर टाइप करने तुम्हें? इतना कहते ही मिश्रा जी वहां से चले जाते हैं। हे भगवान कहां फंस गया, एक तो यहां लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं, खैर होगा भी कैसे, मैं तो 80s में जी रहा हूं ना, अर्जुन मन ही मन सोचता हुआ हंसता है। चलो कोई नहीं अब इसी टाइपराइटर से काम चलाते हैं, जब ओखली में सर डाल ही दिया तो मुशल से क्यों डरना भाई, अर्जुन खुद से कहता है। जैसे तैसे अर्जुन उस टाइपराइटर को चलाने लगता है। उसे उस टाइपराइटर को चलाने में थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। अरे कितना टफ हो रहा है इसमें काम करना, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती ना यहाँ काम करना तो मैं कब का यहाँ से जा चुका होता। खैर काम तो करना ही होगा मुझे वरना मैं उस प्रोफेसर श्रीनिवासन तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और अगर मैंने सही से काम नहीं किया तो मुझे मिश्रा जी भी अभी नौकरी से निकाल देंगे। थोड़ी देर अर्जुन को उस ओल्ड टाइप के टाइपराइटर को चलाने में दिक्कत होती है, लेकिन तभी अचानक उसके हाथ खुद ब खुद टाइपराइटर्स पर बिजली की तेजी से चलने लगते हैं, और देखते ही देखते कुछ ही देर में अर्जुन सारे डॉक्यूमेंट टाइप कर देता है। ये सब देखकर अर्जुन खुद भी हैरान हो जाता है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है कि अभी तक उसे टाइपराइटर चलाने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अभी अचानक क्या हुआ कि उसने इतनी आसानी से और इतना जल्दी सब कुछ टाइप कर दिया। तभी उसे ध्यान आता है कि उसके पास तो बहुत सारी शक्तियां हैं और वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक सुपर हीरो है। अर्जुन खुद में हंसने लगता है। इसलिए अर्जुन यह भी समझ जाता है कि टाइपराइटर पर उसकी उंगलियों का इतना तेजी से चलना उसी की शक्तियों का नतीजा है। अर्जुन अपना काम बखूबी कर ही रहा होता है तभी अर्जुन को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब अर्जुन आंखें बंद करके आभास करता है तो देखता है कि एक बच्चा बीच में आ गया है और उसके माँ बाप किनारे पर खड़े होकर दुकान से कुछ सामान ले रहे हैं।
अचानक एक बड़ा ट्रक उस बच्चे की तरफ आ रहा है। ट्रक का ड्राइवर काफी तेजी से ट्रक को भगा रहा है और ट्रक उस बच्चे के करीब 5 मीटर की दूरी पर है, पर अभी भी तेजी से बच्चे की तरफ चला रहा है। ट्रक अब उस बच्चे से तकरीबन 1 मीटर के फासले पर होता है। अब ट्रक ड्राइवर की नजर उस बच्चे पर पड़ गई है। ड्राइवर तेजी से हॉर्न बजा रहा है। बच्चे के माँ बाप की नजर भी उस पर पड़ चुकी है। हाय मेरा बच्चा, बचाओ कोई, बचाओ मेरे बच्चे को, बच्चे की माँ रोते हुए कहती है। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को, बच्चे का बाप भी रोते हुए कहता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। ट्रक उस बच्चे के करीब 1 फुट के फासले में है। अब ट्रक ड्राइवर तेजी से हॉर्न बजा रहा है। बच्चे के माँ बाप ने अपनी आंखें बंद कर ली है। इतने में बिजली की तेजी के साथ एक हाथ ट्रक की तरफ आता है और ट्रक को रोक देता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उस शख्स ने चेहरे पर एक सुपर हीरो जैसा मास्क लगाया हुआ है, जिसने अपने दोनों हाथों से ट्रक को वहीं पर जाम कर दिया है। ट्रक अभी भी बच्चे से 1 फीट की दूरी पर है, लेकिन अब ट्रक वहीं पर जाम हो चुका है। वो मास्क लगाया हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि वही हमारा सुपर हीरो अर्जुन। तभी वहाँ पर बच्चे के माता पिता आकर उस बच्चे को रोड से उठा लेते हैं। धन्यवाद भैया, अगर आज आप नहीं होते ना तो हम अपने बच्चे को खो देते। हमारे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द ही नहीं है ज्यादा। इतना कहते हुए वो दोनों अर्जुन के पैर पड़ने लगते हैं। मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, माफी मांगनी है तो आप खुद से मांगिए, अपनी गैर जिम्मेदारी की। इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी कि आप लोग बच्चे को भूल गए कि वो कहाँ है, उसे कुछ हो जाता तो। अगर इस दुनिया में हर कोई माँ बाप आप जैसा हो गया तो हर किसी के बच्चे ऐसी रोड पर अपनी जिंदगी खो देंगे, जैसा कि अभी आपका बच्चा। इतना कहते ही अर्जुन रुक गया। हमें माफ कर दो भैया, आज हमें बहुत बड़ा सबक मिला, आज से हम अपने बच्चे का खुद से ज्यादा ख्याल रखेंगे। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आई, कोई साधारण इंसान इतनी आसानी से ट्रक को नहीं रोक सकता, लेकिन तुमने ये चमत्कार कर दिया। तुम कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकते, बताओ कौन हो तुम? बच्चे के माता पिता ने अर्जुन से हाथ जोड़ते हुए पूछा। मैं दोस्तों का दोस्त हूँ और मेरा काम है लोगों की मदद करना। इतना कहते ही अर्जुन बिजली की रफ्तार से वहां से चला जाता है। उधर काम्या की मम्मी मीनाक्षी घर पर है, जो कि स्टूल पर चढ़कर ऊपर से नीचे कुछ सामान निकाल रही है। ऊपर स्लैब से कुछ सामान निकालते वक्त मीनाक्षी का पैर फिसल जाता है और वो जैसे ही नीचे गिरने वाली होती है, वैसे ही किसी एक का हाथ बिजली की तेजी से उसकी तरफ बढ़कर उसे पकड़कर गिरने से बचा लेता है। मीनाक्षी ये सब देखकर शॉक्ड है। मीनाक्षी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक तो अर्जुन कमरे में नहीं था, पर अचानक वो यहाँ कैसे आ गया। तभी मीनाक्षी अर्जुन की आंखों में देखती है और कुछ देर तक बस देखते ही जाती है। मीनाक्षी अर्जुन की आंखों में खो जाती है। आज मीनाक्षी को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया है और जिसने बड़े प्यार से गोद में उठाया हुआ है। कुछ देर तक वो अर्जुन को देखती है। इतनी देर में अर्जुन ने मीनाक्षी को नीचे उतार दिया। थैंक यू अर्जुन, मीनाक्षी हंसते हुए कहती है। वेलकम, अर्जुन भी हल्का सा स्माइल के साथ कहता है। अगले ही पल जैसे ही मीनाक्षी कुछ कहने वाली है, वैसे ही अर्जुन वहां से चला जाता है और दोबारा अपने काम में लग जाता है। आप सुन रहे हैं ये कहानी आशुतोष के साथ पॉकेट एफएम पर। सुपर अर्जुन एपिसोड 17। मीनाक्षी अर्जुन के बारे में सोच रही है और अब उसका अर्जुन के लिए प्यार और भी गहरा होता जा रहा है। मीनाक्षी अकेले में मुस्कुराई जा रही है और अपने हाथों को फैलाए झूम रही है। इधर अर्जुन कमरे में आकर दोबारा अपने काम में लग गया है। वहीं बेंगलोर से करीब 70 किलोमीटर दूर शहर से बाहर नंदी हिल्स के घने जंगलों में एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में एक इंसान अपने चेहरे पर ग्लास का प्रोटेक्शन मास्क लगाकर एनर्जी कैप्चरिंग डिवाइस पर काम कर रहा है। ये डिवाइस कई तरह से सर्किट से जुड़ी हुई है। यह इंसान कंट्रोल बटन को ऑन कर देता है और इस मशीन की फाइनल प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। वो इंसान अपने चेहरे से मास्क उतारता है। यह है डॉक्टर ज़ूल। डॉक्टर ज़ूल कहता है, जब दुनिया मेरे इस नए आविष्कार के बारे में जानेगी तो उन्हें कबूल करना ही होगा कि डॉक्टर ज़ूल क्या चीज है। मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हूँ, डॉक्टर ज़ूल गुस्से से कहता है। तभी वो सामने रखी एक मशीन को देखता है और धीरे से अपने आप से कहता है, सुना है ऐसा एक्सपेरिमेंट आज तक किसी ने नहीं किया। जिस मॉडर्न इन्वेंशन पर मैं काम कर रहा हूँ वो अभी तक अमेरिका और रूस के पास भी नहीं है, लेकिन मेरा इन्वेंशन, मेरा सालों का सपना बहुत जल्द साकार होगा और जल्दी ही मैं इस दुनिया का नक्शा बदल कर रखूंगा। फिर राज करूंगा मैं इस पूरे ब्रह्मांड पर। मैं बनूंगा सर्वशक्तिशाली डॉक्टर ज़ूल। डॉक्टर ज़ूल की हंसी में एक राक्षस की झलक दिखाई दे रही है। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद उसकी नजर सामने रखी एक दूसरी मशीन पर पड़ी, जो पहली मशीन से बहुत बड़ी है। हंसते हुए अपने हाथ से कंट्रोलर स्टिक उठाता है और स्टिक में लगे ग्रीन कलर के बटन को दबा देता है। जैसे ही स्टिक में हरा रंग का बटन दबता है, वैसे ही सामने मशीन का डोर ओपन होता है। मशीन का डोर ओपन होते ही उसमें से 3 एलियन निकलते हैं, जिनके हाथ पैर एल्यूमिनियम से बने कुछ मेटल से बंधे हुए हैं। इतने सालों बाद आखिर मैंने पकड़ ही लिया तुम एलियंस को। जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो मैंने कर दिखाया। डॉक्टर ज़ूल उन एलियंस के चारों ओर धीरे धीरे घूम रहा है और कहता है, अब समय आ चुका है, तुम लोगों को मैं इतना खूंखार बनाऊंगा कि तुम्हारे जरिए मैं अपने मिशन को सफल बना सकूं। डॉक्टर ज़ूल हंसते हुए कहता है। दरअसल डॉक्टर ज़ूल ने 3 एलियंस को ट्रैक कर लिया हुआ है, जो गलती से पृथ्वी में घुस गए थे। इन 3 एलियंस के नाम अल्फा, बीटा और सिग्मा है, जो कि डॉक्टर ज़ूल ने ही दिए हैं। जिनमें से एक, जो कि उनकी बेटी है सिग्मा, उसको डॉक्टर ज़ूल ने एक खतरनाक और जालिम क्रिएचर में बायो ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जो एक डायनासोर जितनी बड़ी और खतरनाक बन चुकी है। लेकिन डॉक्टर ज़ूल के सामने वो सिर्फ एक कठपुतली है। उसका नाम है नेरिका। तुम शायद नहीं जानते कि तुम लोग मेरे कितने काम आ सकते हो। मेरे द्वारा तुम्हारे ऊपर किया गया एक्सपेरिमेंट मुझे एक ना एक दिन इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना देगा। डॉक्टर ज़ूल हंसते हुए कहता है। थोड़ी देर बाद वो अपने दाहिने साइड में दीवार पर लगे रेड कलर के बटन को दबाता है। उस रेड कलर के बटन को दबाते ही उन एलियंस और नेरिका के पूरे शरीर में एक नीले रंग की बिजली के तार जैसे कुछ मेटल्स लग जाते हैं।
उसके बाद डॉक्टर जोल अपने मशीन के पैनल के दाई साइड में लगे एक ब्लू कलर के बटन को दबाता है। उस ब्लू कलर के बटन को दबाते ही उन एलियंस पर लगे एल्यूमिनियम के मेटल्स पर करंट आ जाता है। करंट के लगते ही वे तीनों एलियंस अपनी ही भाषा में अजीब सा चिल्लाने लगते हैं। डॉक्टर जोल के इस एक्सपेरिमेंट से एलियंस बेहद तकलीफ में है। और तड़पो तुम्हारी ये तड़प देखने के लिए मैंने इतने साल इंतजार किया। तड़पो। डॉक्टर जोल एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहता है। यहाँ पर डॉक्टर जोल उन एलियंस की एनर्जी लेवल को कंट्रोल कर रहा है जो एक पल में कम और एक पल में बढ़ जाती है, और इस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अल्फा सिग्मा बीटा, तुम तीनों शायद नहीं जानते कि तुम्हारा यहाँ होना मुझे कितना सुकून देता है। पर तुम चिंता मत करो, मेरा काम जैसे ही पूरा होगा मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, इस दुनिया से आजाद कर दूंगा। ऐसा कहते ही वो एक बार फिर उस ब्लू कलर के बटन को दबाता है, जिसके बाद एक बार फिर वो तीनों एलियंस तड़पने लगते हैं। दूसरी तरफ श्रीनिवासन अपने कमरे में बैठा हुआ है। तभी श्रीनिवासन को अर्जुन का ख्याल आता है। अरे मेरे साथ उस दिन अर्जुन भी आया था उस टाइम मशीन के जरिए, फिर ऐसा क्या हो गया कि मैं यहाँ आ गया और अर्जुन नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? श्रीनिवासन मन ही मन ऐसा सोचता है, अगर अर्जुन यहाँ नहीं आया तो गया कहाँ, और अगर वो यहाँ आया है तो मुझे जल्दी उसका पता लगाना होगा, नहीं तो वो लड़का मेरे लिए खतरा बन सकता है। इससे पहले वो मेरे लिए खतरा बने मुझे उसे अपने रास्ते से हटाना होगा, श्रीनिवासन गुस्से से कहता है। श्रीनिवासन बालकनी में खड़ा है, नीचे उसे कोई आता हुआ दिखाई दिया। नीचे एक एम्बेसडर कार रुकती है। वह पास्ट वाला श्रीनिवासन अपनी गाड़ी से उतर रहा है, लेकिन आज वो अकेला नहीं है। आज उसके साथ एक और शख्स है जो उसके साथ गाड़ी से उतर रहा है। उसके साथ आया हुआ शख्स श्रीनिवासन को कुछ जाना पहचाना लग रहा है। कुछ देर तक श्रीनिवासन उसे दूर से देख रहा है। थोड़ा गौर से देखने के बाद श्रीनिवासन उसे दूर से पहचान गया। अरे ये तो देवदत्त है, पर ये अचानक आज यहाँ क्या करने आ गया है? हो सकता है किसी काम से आया हो, उससे पहले वो मुझे देखे मुझे कहीं छुप जाना चाहिए, श्रीनिवासन मन ही मन कहता है। देवदत्त और पास्ट वाला श्रीनिवासन अब घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मैं अगर उसके सामने चला गया तो सारा खेल धरा का धरा रह जाएगा। इतना कहते ही श्रीनिवासन उस हॉल में ही नहीं जाता जहाँ पास्ट वाले श्रीनिवासन के साथ देवदत्त बैठकर बातें कर रहे हैं। पास्ट वाले श्रीनिवासन और देवदत्त के बीच किसी प्रोजेक्ट को लेकर बात चल रही है। हमारे प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें पूरी जानकारी है ना देवदत्त, इसलिए मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा, पास्ट वाला श्रीनिवासन देवदत्त से कहता है। हाँ सर मुझे पता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को कैसे कामयाब बनाया जा सकता है, देवदत्त कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। इसीलिए तो तुम मेरे इतने काबिल और भरोसेमंद साइंटिस्ट हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे होते हुए इस प्रोजेक्ट को कोई नुकसान पहुंचेगा। श्रीनिवासन उन दोनों की बातें चुपचाप वहीं पर छुपकर सुन रहा है। अगर अर्जुन इसी शहर में है तो वो अपने पिता से मिलने जरूर आएगा, बेचारे ने अभी तक अपने पिता को नहीं देखा, इसलिए वो अपने पिता तक पहुंचने की कोशिश करेगा, श्रीनिवासन मन ही मन सोचता है। उसके बाद उसकी नजर एक बार फिर देवदत्त पर पड़ती है। कहीं अर्जुन का पिता देवदत्त तो नहीं? मुझे अर्जुन और देवदत्त के कारनामे एक लिखते हैं, और देवदत्त ही वो जरिया है जिससे अर्जुन के पास सुपर पावर है। सबसे पहले मुझे अर्जुन को ढूंढना होगा किसी भी हाल में। ऐसा कहते ही श्रीनिवासन सोच में पड़ जाता है। धीरे धीरे श्रीनिवासन के इंस्टीट्यूट के बाकी लोग भी आ चुके हैं। पास्ट के श्रीनिवासन ने अपने टीम मेंबर को घर पर पार्टी के लिए बुलाया है। देविका और बाकी लोग भी आ चुके हैं। देविका आज कुछ अलग ही लग रही है, उसने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है जिस कारण देवदत्त की नजर उस पर से हटी नहीं रही है। लेकिन देविका अपने कुछ दोस्तों के साथ बात करने में बिजी है और अभी तक उसने पार्टी में देवदत्त को नहीं दिखा है। क्या बात है देवदत्त, कहाँ खोया हुआ है? देवदत्त का दोस्त देवदत्त के कंधे पर हल्का सा हाथ मारते हुए कहता है। अरे तू कब आया? देवदत्त अपने दोस्तों से कहता है। मैं तो पिछले 10 मिनट से इसी पार्टी में हूँ, पर मुझे लगता है तू इस पार्टी में नहीं है, तेरा ध्यान तो कहीं और ही है, देवदत्त का दोस्त मुस्कुराते हुए कहता है। तभी श्रीनिवासन कुछ अनाउंसमेंट करता है। हेलो एवरीवन, अटेंशन प्लीज। जैसा कि आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि हम ऐसे ह्यूमन प्रोटोटाइप पर काम कर रहे हैं जो इंसानों को भविष्य में भेज सकता है। इस मिशन के जरिए इंसानों को भविष्य में रिप्लेस कर सकते हैं। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, अगर हम इस मिशन पर कामयाब हो गए तो हमारे लिए यह सबसे बड़ी सफलता होगी, और फिर हमारा यह मिशन मानवता के काम आएगा, श्रीनिवासन सबको संबोधित करते हुए कहता है। श्रीनिवासन की इस अनाउंसमेंट को सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। वाह क्या सोच है सर जी, मजा आ गया, अगर ऐसा सच में पॉसिबल हुआ तो मैं एक बार जरूर अपने फ्यूचर में जाना चाहूंगा, देवदत्त का दोस्त मजाकिया अंदाज में बोलते हैं। लेकिन तुझे पता है हम सभी को इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए दिन रात एक करना होगा, देवदत्त अपने दोस्त सुरेश से कहता है। अरे जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास तेरे और देविका जैसे काबिल साइंटिस्ट हैं, तूने किस बात की टेंशन है, मुझे पूरा भरोसा है तू इस मिशन को कामयाब करके ही मानेगा, सुरेश देवदत्त से कहता है। हाँ पर इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तक साइंस के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए मिशन हमारे लिए आसान नहीं होने वाला, देवदत्त हल्की सी आवाज में कहता है। अरे देवदत्त तू ऐसी बातें कर रहे, जिसने न जाने कितने नामुमकिन मिशंस को इससे पहले अंजाम दिया है, सुरेश हैरानी से देवदत्त से कहता है। हाँ पर यह मिशन पहले के मिशन से काफी अलग है, यह अलग इसलिए है क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, देवदत्त सुरेश को समझाते हुए कहता है। हाँ हाँ जानता हूँ यह मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, किसने सोचा था कि इस दुनिया को लाइट्स मिलेगी, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन के 9999 प्रयोगों ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी, और साथ ही इस बेजान दुनिया वालों को जीने की नई उम्मीद दी, ऐसा हम भी कर सकते हैं देवदत्त, सुरेश देवदत्त से कहता है। इसके बाद देवदत्त भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, और सभी लोग पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। अब पार्टी खत्म हो चुकी है, सभी टीम मेंबर अपने घर जाने लगे हैं। थोड़ी देर बाद फ्यूचर वाला श्रीनिवासन पास्ट वाले श्रीनिवासन के पास आता है। अरे ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता भी है तुमने आज कितनी बड़ी गलती की है? श्रीनिवासन पास्ट वाले श्रीनिवासन से गुस्से में कहता है। अरे क्या किया मैंने, और तुम मुझ पर इतना भड़क क्यों रहे हो? पास्ट वाला श्रीनिवासन जवाब में कहता है। अरे तुम्हारी ये गलती भी इस मिशन को इंपैक्ट करेगी, श्रीनिवासन गुस्से से कहता है। पर मैंने क्या किया, अरे जरा मुझे भी तो पता चले कि मेरी गलती क्या है, पास्ट वाला श्रीनिवासन थोड़ा घबराते हुए कहता है। तुमने अपने इस मिशन के बारे में पार्टी में सभी के साथ क्यों डिस्कस किया, तुम्हें पता भी इसका अंजाम क्या हो सकता है, फ्यूचर वाला श्रीनिवासन पास्ट वाले श्रीनिवासन से कहता है।
पास्ट वाला श्रीनिवासन फ्यूचर वाले श्रीनिवासन की बातें सुनकर अब बहुत ज्यादा घबरा जाता है। आप सुन रहे हैं ये कहानी आशुतोष के साथ पॉकेट एफएम पर। सुपर अर्जुन एपिसोड 18, जहां पर फ्यूचर वाले श्रीनिवासन को एक बात अच्छे से पता है कि उसने वो कौन सी गलतियां की थी जिस कारण उसका मिशन फेल हुआ। इसीलिए वो फ्यूचर से वापस लौटकर इस ईयर में नहीं आया कि यहां से वो भागकर फ्यूचर में गया था, बल्कि उससे कुछ साल पहले पास्ट में आया है ताकि वो अपनी गलतियां सुधार सके। इसीलिए वो पास्ट वाले श्रीनिवासन को बार बार गलतियां करने से रोक रहा है। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग इस मिशन को अपने तरीके से अंजाम देंगे और तुम्हें पता है ना कि हम सब क्या कर रहे हैं, इसलिए भलाई इसी में है कि हम इस मिशन को सीक्रेट रखें। फ्यूचर वाला श्रीनिवासन पास्ट वाले श्रीनिवासन को समझाते हुए कहता है। उसके बाद वे दोनों लैब में जाते हैं। फ्यूचर वाला श्रीनिवासन और पास्ट वाला श्रीनिवासन अब एक साथ मिलकर अपनी लैब में काम कर रहे हैं। उनके अलावा लैब में कोई भी नहीं है। तभी फ्यूचर वाला श्रीनिवासन पास्ट वाले श्रीनिवासन से धीमी आवाज में देवदत्त के बारे में पूछता है। तुम्हारे साथ घर आया वो लड़का कौन है? श्रीनिवासन पूछता है। पास्ट वाला श्रीनिवासन फ्यूचर वाले श्रीनिवासन को बताता है, देवदत्त एक हार्ड वर्किंग पर्सन और एक ऑनेस्ट मैन है, इसलिए मैं अपने वर्क से रिलेटेड लगभग सारे डिसीजन देवदत्त के साथ मिलकर लेना पसंद करता हूँ। जब तुम अपना सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे और जब तुम अपने मिशन में पूरे तरह से कामयाब हो चुके होगे, तब यही देवदत्त तुम्हें रोकेगा। फ्यूचर वाला श्रीनिवासन पास्ट वाले श्रीनिवासन को मुस्कुराते हुए ये बताता है। पर देवदत्त मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? पास्ट वाले श्रीनिवासन थोड़ा सोचते हुए कहता है। यह सुनते ही फ्यूचर वाला श्रीनिवासन एक अजीब सी हंसी हंसता है। तुम झूठ बोल रहे हो, एकदम गलत हो। जब तक मेरे साथ ऐसा कभी कुछ करेगा ही नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आज तक मैंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, जितने भी मेन प्रोजेक्ट किए, लगभग सब में देवदत्त ने मेरा पूरा सपोर्ट किया और उसने अपना काम बखूबी किया, तो आगे चलकर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? पास्ट वाला श्रीनिवासन फ्यूचर वाले से गुस्से में कहता है, क्योंकि तुम्हें इंसान को पढ़ना नहीं आता अभी। खैर धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आने लगेगा कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। फ्यूचर वाला श्रीनिवासन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है। तभी पास्ट वाला श्रीनिवासन फ्यूचर श्रीनिवासन को ये कहता है, अरे जो फ्यूचर में होगा उसकी टेंशन लेकर आज क्या करेंगे? तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो कि देवदत्त एक काबिल साइंटिस्ट है और मुझे उसकी जरूरत है। जब देवदत्त मेरे लिए खतरा बन जाएगा तब मैं उसे खुद खत्म कर दूंगा। अभी तो फिलहाल वो मेरे लिए बहुत ही काम का आदमी है। देवदत्त को रहने दो, फिलहाल हम अपने इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। अगर हमने अपने इस प्रोजेक्ट में सक्सेस पा ली ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हम इसी के दम पर बहुत सारे मुश्किल काम आसानी से कर सकते हैं। उधर अर्जुन का मिश्रा जी के घर पर आज का टाइपिंग का काम खत्म हो गया है और अब वो अपने घर निकलने की तैयारी में है। अर्जुन तुम कल भी यहाँ आओगे? काम्या के फ्यूचर की मम्मी मीनाक्षी उससे कहती है। ये तो मुझे पता नहीं, अंकल जैसा कहेंगे मुझे वैसा करना होगा, क्योंकि मैं तो उनका असिस्टेंट हूँ ना। इतना कहते ही अर्जुन मीनाक्षी को बाय बोलकर वहां से जाने लगता है। मीनाक्षी भी उसे प्यारी सी स्माइल के साथ बाय बोलती है। अर्जुन को घर लौटते वक्त आज काफी रात हो चुकी है। अर्जुन रोड के किनारे खड़े होकर टैक्सी का वेट कर रहा है। दूसरी तरफ देवदत्त भी पार्टी से वापस घर को आ रहा है। अभी देवदत्त की नजर रोड किनारे खड़े अर्जुन पर पड़ती है। देवदत्त अपना स्कूटर रोकता है। अरे अर्जुन तुम अभी तक घर नहीं गए? देवदत्त अर्जुन से पूछता है। वो आज काम थोड़ा ज्यादा था इसीलिए देर होगी, अर्जुन जवाब में देवदत्त को बताता है। मैं भी अभी घर को ही जा रहा हूँ, चलो साथ ही चलते हैं। देवदत्त के ऐसा कहते ही अर्जुन स्कूटर के पीछे की सीट पर बैठ जाता है। स्कूटर में जाते जाते देवदत्त और अर्जुन आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा अर्जुन ये बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं है? मेरा मतलब होगी ना? देवदत्त मजाक के अंदाज में कहता है। हाँ है, बस ख्यालों में, अब तो ना जाने कब मिलूंगा उससे। अर्जुन मायूस होकर जवाब देता है। क्यों ख्यालों में, क्यों हकीकत में क्यों नहीं? देवदत्त हैरानी भरे स्वर में पूछता है। अर्जुन मन ही मन कहता है, अब क्या बताऊं मैं आपको कि मैं आपका ही बेटा हूं और मैं फ्यूचर से आया हूं जहां कामया मेरा वेट कर रही है। अब तक तो उस विकी ने पटा भी लिया होगा उसे और मैं पता नहीं कब तक वापस जा पाऊंगा। क्या अर्जुन तुम चुप क्यों हो गए? देवदत्त ने अर्जुन को अपने दाएं हाथ की कोनी चुभाते हुए कहा। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, पर वो मुझे प्यार करती है उसका मुझे पता नहीं, अर्जुन थोड़ा मायूस होकर जवाब देता है। तुम्हारा प्यार अगर सच्चा है ना अर्जुन, तो वो लड़की तुम्हें जरूर मिलेगी जिसे तुम प्यार करते हो। देवदत्त थोड़ा स्माइल करते हुए अर्जुन को कहता है। वैसे आप कह रहे थे कि आपकी जिंदगी में भी है कोई जिसे आप प्यार करते हैं? अर्जुन थोड़ा चुटकी लेते हुए पूछता है। है एक लड़की, देवदत्त जवाब देता है। अच्छा क्या नाम है उसका? अर्जुन पूछता है। देविका, देविका नाम है उसका। थैंक गॉड वो मेरी माँ ही है, अब कैसे भी करके पापा और मम्मी की शादी हो जाए बस, अर्जुन मन ही मन बोलता है। क्या अर्जुन तुम भी थोड़ी थोड़ी देर में चुप हो जाते हो, मुझे लगता है तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे हो जिससे तुम प्यार करते हो। देवदत्त अर्जुन से कहता है। हाँ मेरी छोड़िए, अभी आप अपना बताइए कि आप मेरी मम्मी को कब से जानते हैं? अर्जुन के ऐसा पूछते ही देवदत्त हैरान होकर कहता है। क्या, अरे देविका तुम्हारी माँ कब से हुई? क्या यार तुम भी अर्जुन? नहीं मतलब वो मेरा मतलब देविका से है, आपके होने वाले बच्चे की माँ, अर्जुन घबराते हुए जवाब देता है। ये लो शहर बसाने और भिखारी पहले आ गए। अरे अभी हम ठीक से मिले तक नहीं, वो हमारे इंस्टीट्यूट में मेरे साथ काम करती है और मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं, और ऊपर से तुम बच्चों तक पहुंच गए, मुझे लगता है तुमने कोई नशा वशा किया है क्या आज, इसलिए इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। देवदत्त मजाक के अंदाज में जवाब देता है। वो तो मैं बस ऐसे ही बोल रहा था, अर्जुन जवाब देता है। मुझे लगता है मिश्रा जी तुम पर बहुत ज्यादा वर्कलोड डाल रहे हैं, इसलिए अब तुम थक गए हो, बस कुछ ही मिनट में घर आने वाला है, घर पहुंचकर आराम करना, देवदत्त अर्जुन से कहता है। उसके बाद देवदत्त अर्जुन बातें करते करते घर पहुंच जाते हैं। देवदत्त अपना स्कूटर साइड में लगाते हैं और उसमें से उतरकर अर्जुन से कहता है, अर्जुन तुम प्लीज देविका वाली बात घर में किसी को मत बताना यार, वक्त आने दो, वक्त आने पर मैं खुद ही बता दूंगा, बस तुम अभी अपना मुंह बंद रखना। देवदत्त अर्जुन से विनती करते हुए कहता है। अरे आप टेंशन मत लीजिए, ये बात आपके और मुझ तक ही सीमित है, किसी और को पता नहीं चलेगा, मुझ पर विश्वास रखिए। इतना कहते ही देवदत्त और अर्जुन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। अगले दिन घर पर देवदत्त की शादी के लिए एक फोटोग्राफ आता है। देवदत्त के पिता अपने पत्नी यानी अर्जुन की दादी से उस फोटोग्राफ के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहती हो तुम इसके बारे में, लड़की कैसी है? अर्जुन के दादा उसकी दादी से कहते हैं।
लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन लड़की के सुंदर होने के साथ साथ गुणवान और संस्कारी भी होना चाहिए, अर्जुन की दादी जवाब देती है। हाँ ठीक कहती हो तुम, मैं इनके परिवार को अच्छे से जानता हूँ, बहुत ही अच्छे घराने की लड़की है, अर्जुन के दादा थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं। ठीक है, पर ये बात अपने बेटे देवदत्त को पता है क्या? अर्जुन की दादी पूछती है। अरे नहीं, अभी मैंने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया, अर्जुन के दादा जवाब देते हैं। अच्छा, जब देवदत्त को लड़की पसंद होगी तभी तो शादी की बात आगे बढ़ेगी, बगैर उसकी पसंद के हम कर भी क्या सकते हैं, दादी जवाब देती है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा, और वैसे भी वो मेरी किसी बात से इनकार नहीं करता, और मैंने तो सिर्फ अपने पिता के कहने पर तुमसे शादी की थी, अर्जुन के दादा हंसते हुए कहते हैं। अच्छा, आपने देखा नहीं कि हम जब भी उससे शादी के बारे में बात करते हैं वो सीधे मना कर देता है, इस बात की क्या गारंटी कि वो इस बार भी हां करेगा, दादी थोड़ी ऊंची आवाज में बोलती है। तभी दादा अपना चश्मा उतारते हैं और अपना दाहिना हाथ अपने माथे पर लगाते हुए कहते हैं, हाँ अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैंने लड़की वालों से हाँ कर दी है, और रही बात देवदत्त की, तो मेरा बेटा मेरी बात कभी भी नहीं टालेगा। उस लड़की के बारे में अर्जुन के दादा दादी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर अर्जुन आता है। अर्जुन आकर दादा दादी के पास एक सोफे पर बैठ जाता है। मुझे लगता है बहुत गंभीर बातचीत चल रही है आप लोगों के बीच, जरा मुझे भी तो पता चले आखिर बात क्या है, अर्जुन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं। अरे अर्जुन बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए, हम अभी देवदत्त की शादी को लेकर कुछ बात कर रहे थे, दादी मुस्कुराते हुए कहती है। भैया के शादी के बारे में? पर भैया को पता है इसके बारे में? अर्जुन थोड़ा चौंकते हुए कहता है। अरे नहीं, अभी उसे कुछ नहीं बताया हमने, और हमने तो लड़की वालों से हाँ भी कर दी है, अर्जुन के दादा फोटो की तरफ देखते हुए बोलते हैं। पर अगर भैया को ये बात पता चली तो शायद शादी के लिए मना कर देंगे, क्योंकि आप लोग तो जानते हो ना कि भैया शादी के नाम से कैसे भागते हैं, अर्जुन हड़बड़ाते हुए कहते हैं। अरे अब उसकी उम्र हो रही है शादी करने की, और रही बात उसके मानने या ना मानने की, तो मैं उसको मना लूंगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरी बात नहीं टालेगा, दादा थोड़ा कॉन्फिडेंस होकर बोलते हैं। इसका मतलब आपने उनकी शादी के लिए लड़की भी देखी होगी तभी तो? हाँ ये रही ना फोटो उसकी, यही वो लड़की है जिसे हमने देवदत्त के लिए देखा है। ये सुनकर अर्जुन थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि अर्जुन फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आया हुआ है, और उसके पिता देवदत्त जो पास्ट में अभी जवान है, अर्जुन जिसने अपने पिता को बचपन से ही नहीं देखा। हैरानी की बात तो ये है कि अर्जुन जिस घर में ठहरा हुआ है वो घर उसी के दादाजी का है, और यह बात अर्जुन को भी पता है, इसलिए उसे हर हाल में अपने पिता देवदत्त की शादी देविका यानी अपने फ्यूचर की माँ से करानी है, नहीं तो अर्जुन पैदा ही नहीं हो पाएगा। इसलिए जब दादा दादी किसी और लड़की से देवदत्त की शादी की बात करते हैं तो अर्जुन परेशान हो जाता है। अर्जुन परेशान है इसलिए उस फोटो को भी नहीं देखता और वहां से जाने लगता है। अरे अर्जुन बेटा कहां जा रहे हो? पीछे से दादी आवाज लगाते हुए कहती है। कहीं नहीं, वो मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, बस उसे ही करने जा रहा हूँ, अर्जुन घबराते हुए जवाब देता है और वहां से अपने कमरे में आ जाता है। पता नहीं क्या हुआ अर्जुन को, अचानक चला गया, दादी हैरानी से पूछती है। अरे कुछ जरूरी काम याद आ गया होगा बेचारे को, तुमने देखा नहीं कितनी मेहनत करता है, वैसे भी मिश्रा जी का असिस्टेंट होना कोई आम बात थोड़ी है, दादा दादी को जवाब देते हैं। आप सुन रहे हैं ये कहानी आशुतोष के साथ पॉकेट एफएम पर। सुपर अर्जुन। उधर अर्जुन अपने कमरे में आ गया, वो अपने पिता यानी कि देवदत्त की शादी के बारे में सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। ये लोग कुछ टाइम रुक जाते तो पापा की शादी मम्मी के साथ हो जाती यार, हे भगवान आप ही मेरी मदद करो, किसी भी हाल में शादी को होने से रोको, मैं आपको 10 किलो बेसन के लड्डू चढ़ाऊंगा, अर्जुन अपने आप से बातें करते हुए कहता है। तभी सामने शीशे से कुछ आवाज आती है। क्या सोचा है अर्जुन? कौन हो तुम? अर्जुन अपने आप को शीशे में देखते हुए कहता है। दरअसल शीशे में कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का ही प्रतिरूप है जो अर्जुन के मन का वहम है, और वही प्रतिरूप आकर अर्जुन से बातें कर रहा है। मैं तुम्हारा ही प्रतिरूप हूँ अर्जुन, मुझे सब कुछ पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, कई बार हमें जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, अर्जुन का प्रतिरूप मुस्कुराते हुए कहता है। क्या मतलब है तुम्हारा, जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं? मैं कुछ समझा नहीं, सामने से अर्जुन जवाब देता है। तुम्हें टाइम लगेगा अर्जुन चीजों को समझने में, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी करना है सोच समझ कर करना, यहाँ एक भी गलती तुम पर भारी पड़ सकती है अर्जुन, अर्जुन का प्रतिरूप कहता है। लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? अर्जुन अपने प्रतिरूप से पूछता है। मैंने जितना कहना था जितनी मदद करनी थी वो कर दी, बाकी तुमको खुद सोचना है और करना भी तुमको ही है। इतना कहकर अर्जुन का प्रतिरूप शीशे के अंदर से गायब हो जाता है। अर्जुन उसे ढूंढ रहा है पर वो तो गायब हो चुका है। उसके गायब हो जाने के बाद अर्जुन एक गहरी सोच में पड़ गया है। दूसरी तरफ देवदत्त को भी ये बात पता चलती है कि उसके माता पिता ने उसके लिए लड़की ढूंढ ली है, पर देवदत्त अपने पिता की पसंद की लड़की से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसका दिल तो पहले ही देविका पर आ चुका है और अब उसे हर हाल में बस देविका से ही शादी करनी है। वहीं दूसरी ओर अर्जुन को भी ये रिश्ता पसंद नहीं, वो भी देविका की शादी अपने पिता देवदत्त से कराना चाहता है, लेकिन अर्जुन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट उसके दादा दादी की पसंद की वो लड़की है जिसे उन्होंने देवदत्त के लिए पसंद किया है। अर्जुन इस समस्या को लेकर कुछ सोचता है, तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है, वो देवदत्त के पास जाता है। देवदत्त उस वक्त कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा है। भैया हम अंदर आ जाएं? अर्जुन देवदत्त से पूछता है। हाँ हाँ अर्जुन आ जाओ, और इसमें पूछने की क्या बात है, तुम्हारा ही घर है? देवदत्त मुस्कुराते हुए कहता है। कुछ जरूरी काम कर रहे हैं क्या आप? अर्जुन देवदत्त से पूछता है। हाँ बस थोड़ा सा काम बचा है, तुम बताओ तुम्हें क्या काम है मुझसे? देवदत्त कंप्यूटर में काम कर रहा है और काम करते करते अर्जुन से पूछता है। आपको तो पता ही होगा अंकल आंटी आपकी शादी की बात कर रहे हैं, अर्जुन थोड़ा हैरान होकर कहता है। हाँ हाँ पता है, लेकिन मुझे ये शादी नहीं करनी अर्जुन, देवदत्त निराश होकर कहता है। हाँ मैं यही चाहता हूँ कि आपकी शादी अभी ना हो, अर्जुन देवदत्त से कहता है। हाँ यार पर अब कर ही क्या सकते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताने से क्या फायदा, पिताजी ने जो कहा वो तो मानना ही पड़ेगा ना, उनकी आज्ञा को ना मानने का दुस्साहस भी तो मैं नहीं कर सकता, वैसे मेरे पास एक प्लान है, अर्जुन हल्की आवाज में कहता है। कैसा प्लान? देवदत्त चश्मा उतारते हुए कहता है। हम दोनों को मिलकर इस शादी को होने से रोकना होगा, अर्जुन देवदत्त को बताता है। अच्छा पर कैसे रोकेंगे हम शादी को होने से? देवदत्त हैरानी से कहता है। हमें अंकल आंटी के दिल में उस फोटो वाली लड़की के लिए नफरत पैदा करनी होगी ताकि हम ये शादी होने से रोक सके, अर्जुन देवदत्त को समझाते हुए कहता है। पर ये सब हम करेंगे कैसे? देवदत्त अपने माथे पर हाथ लगाते हुए कहता है।
आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप बस देखिए आगे आगे होता है क्या। तभी अर्जुन देवदत्त के कान में कुछ कहता है, उसके बाद वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अगले दिन अर्जुन मिश्रा जी के घर पर अपने जॉब पर होता है। रोज की तरह अर्जुन अपनी टेबल पर बैठ गया है उस पुराने से टाइपराइटर के सामने। अर्जुन टाइपराइटर के सामने बैठकर काम कर रहे हैं, तभी पीछे से एक आवाज आती है। मैं कमीन अर्जुन, क्या मुझे परमिशन अंदर आने की? पीछे मीनाक्षी जो कि काम्या की भविष्य में होने वाली माँ है आवाज देती है। अर्जुन थोड़ा सा पीछे देखता है और टाइपराइटर से अपना हाथ उठाता है। आहा आ जाओ, तुम्हारा ही घर है, अर्जुन कहता है। मीनाक्षी अपने बालों पर हाथ फेरती है, उसकी जुल्फें उसके आंखों के पास आ रही है, इसीलिए वो उन्हें बार बार संभाल रही है। अर्जुन क्या तुम मेरा एक काम करोगे, मीनाक्षी पूछती है। अर्जुन सिंपली जवाब देता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आपके लिए तो कुछ भी करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे आप मत बोलो, तुम्हें ज्यादा अपनापन झलकता लगता है, मीनाक्षी ने कहा। अर्जुन थोड़ा शर्माता है क्योंकि आखिर मीनाक्षी फ्यूचर में है तो काम्या की माँ, और अगर सब कुछ सही चला तो शायद उसकी फ्यूचर की होने वाली मदर इन लॉ, लेकिन यहाँ तो मदर इन लॉ ही अपने संग इन लॉ को दिल दे बैठी है, और ये सब तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, और हमारा अर्जुन ये कैसे स्वीकार कर सकता है। वैसे काम क्या है जो मुझे करना है, अर्जुन झिझकते हुए पूछता है। इतने में काम्या की माँ यानी मीनाक्षी टेबल पर रखे एक पेपर को उठाती है, वो पेपर ब्लैंक होता है। ये लो ब्लैंक पेपर और इसे भर दो, मीनाक्षी हंसते हुए कहती है। भर दो मतलब, अरे कुछ तो लिखना होगा ना इसमें, अर्जुन हैरानी से पूछता है। मीनाक्षी थोड़ा अंगड़ाई लेते हुए शरारती अंदाज में कहती है, हाँ तो कुछ तो लिखना होगा, तुम ऐसा करो इसमें मेरे जज्बात टाइप कर दो। तुम्हारे जज्बात? अरे मतलब, अरे साफ साफ बताओ ना, यूं पहेलियां ना बुझाओ, अर्जुन थोड़ा गुस्से में बोलता है। अरे ज्यादा गुस्सा क्यों रहे हो, बताती हूँ यार, इसमें तुम्हें एक लव लेटर टाइप करना है, मीनाक्षी मुस्कुराते हुए कहती है। मीनाक्षी की बातें सुनकर अर्जुन थोड़ा चौंक जाता है, वो अपने मन में सोच रहा है, हे भगवान मेरी फ्यूचर की मदर इन लॉ मुझसे क्या पाप करवाना चाहती है, क्या सोच रहे हो अर्जुन, मीनाक्षी पूछती है। अर्जुन हड़बड़ाते हुए पूछता है, अरे ये तो बताओ कि ये लव लेटर तुम्हें टाइप क्यों करवाना है, तुम टाइप कर रहे हो यानी, या मैं खुद ही टाइप कर लूं, मीनाक्षी थोड़ा गुस्से में कहती है। हाँ हाँ मैं अभी टाइप करता हूँ, अर्जुन के मुंह से इतना सुनते ही मीनाक्षी के चेहरे पर खुशी नजर आती है। पर ये तो बताओ कि ये लव लेटर तुम्हें किसके लिए लिखवाना है, अर्जुन थोड़ा चौंकते हुए कहता है। तुम्हारे लिए, मीनाक्षी जवाब देती है। मीनाक्षी का जवाब सुनते ही अर्जुन मन ही मन सोचता है, काश इसकी जगह इसकी बेटी काम्या होती तो कितना मजा आता, अरे लव लेटर तो क्या, मैं तो पूरी जिंदगी उसके नाम कर देता। अर्जुन मीनाक्षी से मना करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता और बिना कुछ कहे वो लव लेटर टाइप करने लगता है। अर्जुन को टाइपराइटर पर लव लेटर टाइप करता देख मीनाक्षी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसे अब लगने लगा कि अर्जुन भी उससे प्यार करता है। दूसरी तरफ रात में देवदत्त अर्जुन के कमरे में आया। अर्जुन देवदत्त को देखकर हैरान है। अर्जुन देवदत्त को देखता है। आज देवदत्त अर्जुन को बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है। अर्जुन अपने मन में सोचता है कि पापा आज इतने परेशान क्यों हैं? इसीलिए क्योंकि वो उसके फ्यूचर के पापा हैं। क्या हुआ भैया, इतनी रात गए आप मेरे कमरे में आए, कोई परेशानी है क्या? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, अर्जुन देवदत्त के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। तुम्हें तो पता है ना यार, फिर दोबारा मुझसे क्यों पूछ रहे हो? देवदत्त अर्जुन का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहता है। कहीं आप अपनी शादी को लेकर परेशान तो नहीं है? अर्जुन थोड़ा हैरानी से कहता है। अरे हाँ यार, तुम्हें तो पता है ना अपने पिताजी को मैं टाल नहीं सकता और पापा मेरी उस लड़की से शादी करा कर ही मानेंगे, अब मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, देवदत्त मायूस होकर कहता है। भैया अगर भगवान ने चाहा ना तो आपकी शादी देविका से होगी, अर्जुन देवदत्त को विश्वास दिलाते हुए कहता है। पर कैसे, अभी तो मेरी शादी पिताजी जबरदस्ती किसी और लड़की से कराने पर तुले हुए हैं, देवदत्त जवाब देता है। हाँ अगर आपकी शादी देविका से नहीं हुई तो मैं तो पैदा ही नहीं हो पाऊंगा, अर्जुन की बात कहते ही देवदत्त चौंक जाता है। क्या मतलब पैदा कैसे होगा, तुमने आज भांग का नशा तो नहीं किया, देवदत्त आश्चर्य से पूछता है। नहीं भैया, अर्जुन घबराते हुए कहता है। फिर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो, देवदत्त हैरानी से अर्जुन से पूछता है। वो तो बस ये कह रहा था कि अगर आपकी शादी देविका से नहीं हुई तो अच्छा नहीं होगा, अर्जुन थोड़ा घबराते हुए जवाब देता है। हाँ वो तो मैं भी जानता हूँ अच्छा नहीं होगा, पर इसका कोई उपाय मिले तब ना, देवदत्त थोड़ा गुस्से में जवाब देता है। अगर भगवान ने चाहा तो हमें बहुत जल्द इस प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा, और वैसे भी कहते हैं ना अगर प्यार सच्चा हो तो पूरी दुनिया को हमारे आगे झुकना पड़ता है, अर्जुन काम्या को याद करते हुए जवाब देता है। उसके बाद अर्जुन देवदत्त को अपने एक प्लान के बारे में बताता है। जरा सोचिए, जो लड़की आपके पिताजी ने आपके लिए देखी है अगर वो खुद इस रिश्ते के लिए मना कर दे तो शादी होने का सवाल ही नहीं उठता, अर्जुन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है। मैं कुछ समझा नहीं अर्जुन, देवदत्त हैरानी से बोलते हैं। पहले हमें ये फोटो वाली, मेरा मतलब है जो आपके पिताजी ने लड़की ढूंढी है, उससे मिलना होगा, फिर उसे सब कुछ सच्चाई बतानी होगी कि आप देविका से प्यार करते हैं, अगर वो समझदार लड़की निकली तो वो खुद इस रिश्ते के लिए मना कर देगी, अर्जुन देवदत्त को समझाते हुए कहता है। उसके बाद देवदत्त सोच में पड़ जाता है। आप सुन रहे हैं ये कहानी आशुतोष के साथ पॉकेट एफएम पर। सुपर अर्जुन। उधर रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट 18 पर काम चालू है, जिसमें श्रीनिवासन, देवदत्त, देविका और दूसरे साइंटिस्ट शामिल है। आज पहली बार देव देविका के साथ काम कर रहा है। देव थोड़ा शर्मिला किस्म का लड़का है, इसीलिए वो काम करते वक्त देविका से ठीक से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। आज वो देविका के साथ खड़ा है, इसलिए उसे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है और थोड़ा बहुत पसीना भी आ रहा है। वो अपनी जेब से रुमाल निकालता है और अपने माथे का पसीना पोंछने लगता है। उसकी नजरें देविका से टकराती है, पर जैसे ही वो उससे कुछ बात करने वाला है वैसे ही देविका उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है। अब देवदत्त मन ही मन सोच रहा है, इसके साथ तो मेरी बात भी ठीक से नहीं होती और मैं सपने देख रहा हूँ इसे अपने लाइफ पार्टनर बनाने का। अब कैसे कहूँ मैं अपने दिल की बात इससे, मैंने इसे अपने दिल की बात बताई तो पता नहीं क्या होगा। चलो जैसे तैसे करके मैंने अपने दिल की बात बता भी दी, लेकिन उसके बाद अगर ये भड़क गई तो, खैर कुछ भी हो मुझे तो अपने दिल की बात बतानी होगी। ऐसा मौका भगवान बार बार थोड़ी देते हैं। इतना सोचते ही जैसे ही देवदत्त देविका से कुछ कहने वाला है वैसे ही देविका उसकी ओर देखती और कहती है,
क्या हुआ देव, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? देविका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ वो मैं बस, देव के इतना कहते ही श्रीनिवासन पीछे से उसे आवाज लगाता है, देव देव अब मन ही मन सोच रहा है, यार इतना अच्छा मौका आया था मेरे पास, और ये सर को भी अभी मुझे टोकना था। देवदत्त ये सब सोचकर अब थोड़ा परेशान हो गया है और कुछ देर बाद श्रीनिवासन को जवाब देता है, यस सर। क्या हुआ देवदत्त, आज कुछ कोई कोई लग रहे हो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, तबियत तो ठीक है तुम्हारी? श्रीनिवासन हैरानी से पूछता है, हाँ मेरी तबियत को क्या हुआ सर, बिल्कुल ठीक हूँ, देव जवाब देता है, हाँ वैसे भी इस प्रोजेक्ट में तुम्हारा ठीक होना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। श्रीनिवासन कुछ मजाकिया अंदाज में कहता है, ये सभी साइंटिस्ट एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें यूनिवर्स की एनर्जी से एक ऐसा शक्तिशाली वेपन बनाने की तैयारी चल रही है जो एक ब्रह्मास्त्र की तरह होगा, मतलब असीमित ऊर्जा और शक्ति से भरपूर। श्रीनिवासन एक पैनल की नाइट्रोजन गैस सप्लाई पाइप का प्रेशर चेक करके उसके लीवर को ऊपर कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो लीवर अपने आप नीचे गिर जाता है और श्रीनिवासन को पता ही नहीं चल पाता, और वो देवदत्त की ओर जाते हुए कहता है, आज के टाइम में सभी देश अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ाने की ओर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम यूनिवर्स की एनर्जी से शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वेपन बनाने की तैयारी में हैं। अगर हम इस मिशन पर कामयाब हो गए तो ये दुनिया का मात्र कैसा वेपन होगा जो अकेले ही दुनिया को तबाह करने में कामयाब होगा। श्रीनिवासन की ये बातें देवदत्त को कुछ ठीक नहीं लगती। श्रीनिवासन के मुंह से आज पहली बार उसने दुनिया को तबाह करने की बात सुनी थी। लेकिन सर, वेपन का इस्तेमाल हम दुनिया को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि मानवता की भलाई के लिए करें तो ज्यादा बेहतर है। देव श्रीनिवासन को सीधा जवाब देता है, अरे हम कौन सा इस वेपन से दुनिया को खत्म करने जा रहे हैं, आत्मरक्षा नाम की भी कोई चीज होती है देव, और वैसे भी अपनी आत्मरक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। श्रीनिवासन भी उसी के अंदाज में जवाब देता है। अब देव कुछ सोचता है और कहता है, अगर आत्मरक्षा हमारा कर्तव्य है तो हम सीमित संसाधनों और अपनी कुशलता के दम पर भी कर सकते हैं, मुझे लगता है इतने बड़े वेपन की हमें कोई जरूरत नहीं, देवदत्त कहता है। देवदत्त की बातें सुनकर श्रीनिवासन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो देव, हम सभी जानते हैं तुम कितने काबिल साइंटिस्ट हो, अगर तुम ही ऐसी बात कर रहे हो तो हम इस प्रोजेक्ट को कैसे कामयाब करेंगे, श्रीनिवासन समझाते हुए बोलता है। अब उसे यह डर लगने लगा है कि अगर देवदत्त इस प्रोजेक्ट में ढंग से काम नहीं करता तो यह प्रोजेक्ट सफल कैसे हो सकता है, इसलिए श्रीनिवासन देवदत्त को इतना समझा रहा है। हथियारों के इस्तेमाल से मातम ही फैलता है, शांति नहीं, और अगर सारी दुनिया हथियारों को बढ़ावा देने के बजाय शांति को बढ़ावा देगी तो उससे कभी भी युद्ध नहीं होंगे। देवदत्त श्रीनिवासन को समझाते हुए जवाब देता है, तुम्हारा कहना कुछ हद तक ठीक है देव, लेकिन जरा सोचो अगर ऐसा पावरफुल वेपन हमारे पास आ गया तो हमारी तरफ कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। श्रीनिवासन थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ठीक है सर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। देव के ऐसा कहते ही श्रीनिवासन उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे अपने गले लगा लेता है। फिर वो उसके कानों के पास आकर कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी देवदत्त। उसके बाद श्रीनिवासन वहां से चला जाता है। उधर नाइट्रोजन सप्लाई पाइप के मीटर का प्रेशर डेंजर लेवल के ऊपर दिखा रहा है, लेकिन प्रयोगशाला में किसी को इसकी भनक तक नहीं। श्रीनिवासन के जाने के बाद देव कुछ परेशान लग रहा है, तभी देविका की नजर इस पर पड़ती है। क्या हुआ देव, क्या सोच रहे हो, देविका कैजुअली पूछती है। ये दुनिया कितनी स्वार्थी है देविका, जरा सोचो जिस वेपन को बनाने में साइंटिस्ट सालों तक रिसर्च करते हैं, वो एक वेपन उन मासूम लोगों के साथ साथ प्रकृति में मौजूद अन्य प्राणियों के लिए भी खतरा बन जाता है जिनका कोई भी दोष नहीं है, जैसा जापान पर न्यूक्लियर अटैक, कम से कम 100,000 लोग मारे गए थे और अनेक लोगों का तो कोई कसूर भी नहीं था, पार किसके चक्कर में हुआ, लेकिन मारा कौन गया, नुकसान तो बेकसूर लोगों का ही हुआ ना। ऐसा कहते हुए देव एक गहरी सोच में पड़ गया। देविका उसे देख रही है, उसे अब देवदत्त का नजरिया पसंद आता है। मैं लकी हूँ जो तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिला, देविका मुस्कुराते हुए जवाब देती है। देविका के मुंह से ऐसा सुनकर देव मन ही मन सोचता है, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। क्या हुआ देव, क्या सोच रहे हो, देविका देव से पूछती है। कुछ नहीं, मैं तुमसे कुछ कहना है देविका, देव घबराते हुए बोलता है। हाँ बोलो ना जो बोलना है, देविका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैसे ही देव देविका से अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है वैसे ही लैब में नाइट्रोजन पाइप फटने से एक जोरदार विस्फोट होता है। विस्फोट होते ही सभी लोग सुन में पड़ जाते हैं। अभी किसी के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं है, उस खतरनाक विस्फोट से लैब में आग लग गई है, लैब में रखा सारा सामान इधर उधर गिरने लगा है। देविका का हाथ पकड़कर देवदत्त उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में उसका सिर उसकी तरफ तेजी से आ रहे एक मशीन के टुकड़े से टकराता है। वो मेटल देव के सिर के पिछले हिस्से से जा टकराता है। देव के सिर से उस मेटल के टकराने से उसकी आंखों के आगे सन्नाटा छा गया है और उसे अब कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। उसके सामने देविका खड़ी है जो देव देव चिल्ला रही है, लेकिन देव उसकी आवाज भी नहीं सुन पाता है और उसी वक्त बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, उसके एक हिस्से में नाइट्रोजन गैस लीक होने से उसकी लैब में एक विस्फोट हो चुका है। उधर देवदत्त के घर वाले देवदत्त के घर ना लौटने से परेशान है। देवदत्त की माँ यानी कि अर्जुन की फ्यूचर की दादी कुछ ज्यादा ही चिंतित है। अर्जुन भी उसके साथ बैठा हुआ कभी घड़ी तो कभी अपने भविष्य के दादा दादी को देख रहा है। रोज तो सही टाइम पर घर आ जाता था देव, पर आज न जाने क्यों इतनी लेट हो गई। अर्जुन की फ्यूचर की दादी यानी देव की माँ परेशान होते हुए कहती है, शायद कुछ इंपॉर्टेंट काम में फंसा होगा, बेचारा दिन रात एक जो करता है। अर्जुन के फ्यूचर के दादा जवाब देते हैं, पर आज कुछ ज्यादा ही देर कर दी आने में। देव की माँ मायूस होकर कहती है, आप लोग चिंता मत करिए, मैं बाहर देखता हूँ देव भैया को। अर्जुन जैसे ही देवदत्त को ढूंढने घर से बाहर निकलने वाला होता है वैसे ही अर्जुन के दादा पीछे से आवाज लगाते हुए कहते हैं, अरे पर इतनी रात को कहाँ जाओगे अर्जुन बेटा, देव को ढूंढने, उसकी चिंता आप मत करिए, मैं उनके ऑफिस जाऊंगा, वहीं पर होंगे, और कहाँ जाएंगे। इतना कहते ही अर्जुन निकल पड़ता है देवदत्त को ढूंढने। अर्जुन भी देवदत्त को लेकर परेशान है क्योंकि वो अब तक घर नहीं पहुंचा है। अर्जुन रात को सुनसान रास्ते से जा रहा है और मन ही मन सोच रहा है, आज पापा घर क्यों नहीं आए, हर रोज तो आ जाते थे टाइम पर, मुझे पता नहीं पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
यह सब बातें सोचकर अर्जुन बहुत ज्यादा परेशान है। अर्जुन रास्ते में अकेला चल रहा है, सुनसान रात और अभी रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचने के लिए कोई बस या टैक्सी भी नहीं लगी है। अरे यार, इतनी रात हो गई है, अभी तक कोई बस या टैक्सी, यहाँ तो लोगों की भीड़ भी नहीं है। और फिर होगी भी कैसे, मैं तो पास्ट में जी रहा हूँ और इस टाइम में तो पॉपुलेशन भी बहुत कम थी हमारे देश की, पर मैं इतनी जल्दी रिसर्च इंस्टीट्यूट जाऊंगा कैसे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं हवा में लंबी लंबी छलांगें लगा सकता हूँ। उसके बाद अर्जुन नीचे अपना एक घुटना टिकाए जमीन पर झुकता है और फिर उसके बाद एक लंबी सी छलांग लगाता है पास ही बड़ी बिल्डिंग की छत पर। उसके बाद एक लंबी छलांग और लगाता है। कुछ दूर तक छलांग लगाने के बाद अर्जुन अब हवा में उड़ रहा है और पल ही भर में अर्जुन पहुंच जाता है अपने पिता देवदत्त के रिसर्च इंस्टीट्यूट। घर से रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचने में एक घंटे का समय लगता है, लेकिन अर्जुन ने यह दूरी महज चंद मिनट में तय कर ली है। अर्जुन इंस्टीट्यूट के हाई सिक्योरिटी गेट पर खड़ा है और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है तुम्हें? गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड अर्जुन को अंदर जाने से रोकते हुए कहता है, मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज, अंदर मेरे पापा हैं, मेरा उनसे मिलना जरूरी है, बस एक बार मुझे मेरे पापा से मिला दीजिए। अर्जुन उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड पूछते हैं। तब अर्जुन को याद आता है कि उसके मुंह से देवदत्त के लिए पापा निकल चुका है। वो तुरंत अपनी गलती को सुधारते हुए कहता है, वो मुझे देवदत्त जी से मिलना है। तुम कौन हो? अभी तो कह रहे थे कि तुम्हें अपने पिता से मिलना है और अब कह रहे हो देवदत्त जी से मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड अर्जुन को डांटते हुए कहता है, प्लीज बस एक बार मुझे अंदर जाने दो, आप मेरी बात को समझो प्लीज। अर्जुन एक बार फिर हाथ छोड़कर उनसे अंदर जाने की विनती करने लगा। ए लड़के, एक बार कह दिया ना तो अंदर नहीं जा सकता, चल सीधे भाग यहां से, अभी कोई अलाउ नहीं है। इतना कहते ही सिक्योरिटी गार्ड अर्जुन को वहां से भगा देते हैं। लैब में हुए ब्लास्ट के बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट में किसी के भी आने जाने पर सख्त पाबंदी लग चुकी है। इंस्टीट्यूट अपनी इस गलती को छुपाना चाहता है और ना ही लैब में काम करने वाले को इस बात की जानकारी बाहर देने की अनुमति दी गई है, इसलिए लैब में हुए ब्लास्ट के बारे में कोई भी खबर जारी नहीं की गई थी। अंदर घुसने की तमाम कोशिश नाकाम होने के बाद अर्जुन वहां से वापस आ जाता है। ए भगवान, अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते ही अर्जुन को एक आइडिया आता है और वो मन ही मन कहता है, अरे ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया, अब मैं यहाँ से सीधे मम्मी के पास जाता हूँ, शायद उनको पापा के बारे में कुछ पता हो। इतना कहते ही अर्जुन निकल पड़ता है अपनी देविका यानी कि अपनी फ्यूचर मम्मी के घर की ओर।